वो लड़के हमारे छिल छिल का संतरे में पापड़ लड़कियाँ हैं, इस वजह से उनके लड़कियाँ हमारे उनके रोकने लग गए, उनकी तू तो मैम है वहीं बिक गए। सवेरे फिर मैं गोगड़िया गांव में खड़े हो गए, कई बच्चे थे और गाड़ी रखवाली मारी अगर भाई खड़ा है कहीं और खोल का तकर का ताकत बिल्ले। नमस्कार, मैं मनीष कुमार फिलहाल नरवाना सिविल हॉस्पिटल में हाँ, और एक बुरी खबर सामने आई कि बारात चढ़ रही थी, बारात के ऊपर जो हमला हुआ है और एक आदमी की उसमें मौत होगी, तो पूरा परिवार है जो यहाँ पर पहुँचा है जिसके साथ ये घटना हुई है, तो पूरा के कुछ मामला है वो जानेंगे और परिवार यहाँ पर पहुँच रहा है सिविल हॉस्पिटल में फिलहाल यहाँ पर मौजूद नरवाना के अंदर, तो किस गाँव से या पूरा क्या कुछ मामला, तो वो सारा जानेंगे एक बार। भाई मेरा नील है भाई, क्या कुछ मामला जो बरात के ऊपर कम हमला हुआ है और एक भाई बरात के ऊपर ये उचाना के भीतर यार दोस्तों की बरात में गए हुए थे, शादी में गए हुए थे, कौन सा गांव से, पालवा से गए हुए थे उचाना, चीफ गेस्ट बन के गए, तो ये चले गए वहाँ से उचाना से बरात गई है रचंदवाड़े, रचंदवाड़ा जाने उचाना से बरात गई है, उचाना से रचंदवाड़ा बरात गई है, तो उससे पहले रचंदवाड़ा से पहुँचने से पहले ये गोगड़े गाँव में हथियारबंद लोग थे, 20 से वो 25 लोग थे, ठीक है, जिसमें हाथों में हथियार लिए हुए थे, कट्टे भरे हुए थे विंडो के, तो उन्होंने गाड़ी के ऊपर हमला कर दिया, ये भाई मेरा छुटाने लगा, तो इसको भी बैक साइड से कुछ लगा है या ना लगा है अभी कुछ कह नहीं सकते, इसकी मौत रिश्तेदारी रिश्तेदारी पार्टनरशिप है सिर्फ यारी दोस्त जी से है। हाँ जी, क्या नाम था आपके भाई का? राम निवास, कितनी गाँव का चौकीदार है, 40 से 50 मैं 40 का। हाँ जी, तो ये तो मृतक के पिता और उनका परिवार कहाँ, जो बारात जा रही थी बारात वाले, तो स्वर्गवास है ये, तो ये भाई है हमारे जो बारात गई थी वो कहाँ, उनके बारात वाले तो इधर ही थे वो, आपका लड़का क्या है, तो क्या कुछ मामला जी बारात के ऊपर हमला हुआ है और एक व्यक्ति की जो मौत होगी सुनना मेरे, बारात का ऊपर हमला नहीं हुआ जी, एक दिन पहले डीजे पे बच्चे कुछ हरकत हो गई थी और वो लड़के मारे थे छिल छिल का संतरे में पापड़ लड़कियाँ हैं, इस वजह से उनके लड़कियाँ हमारे थे उनके रोकने लग गए, उनकी तू तो मैम है वहीं बिक गए। सवेरे फिर मैं गोगड़िया गांव में खड़े हो गए, कई बच्चे थे और गाड़ी रखवाली मारी अगर भाई खड़ा है कहीं और खोल का तकर का ताकत बिल्ले। गाड़ी तो आपकी सारी एक साथ गई होगी, अलग अलग हमारी पीछे थी ये गाड़ी, कमी रह गई थी, मामे फिर बड़ौदा था गाड़ी दूसरी मंगवाई, फिर उसमें गए थे मामे। कितने आदमी जो रास्ता में खड़े थे? 15-20 का करीब थे। 15-20 थे। हमला किस पे, पूरी गाड़ी पे करिए किसी? पूरी गाड़ी पे गया जी, ज्यादा छोटे बटे लग रही है। हथियार क्या थे उनके पास? हथियार बिंडे थे जी, कसी कसी मंगा था बिंडे, सारे बिंडे ले रहे थे, बिंडे ले रहे थे सारे। आपके उचाण के थे आस पास के कहीं बाहर के थे? कुछ तो अलीपरा गांव से है जी, एक घोगड़िया से है जी, बाकी उचाना के थे, बाहर के थे, पहुंचते बेरा। और जिसकी मौत हुई कौन से गांव का? वो पलवा गांव का चौकीदार है जी। आपका क्या रिश्तेदार है कुछ या कैसे भाईचारा? बस भाईचारा का तौर पर शादी में गया था जी। और किसी का चोट आ रही है रिश्तेदार में? चोट रिश्तेदार का है जी, फिर वो घर आए हैं, हाँ कल दवाई दी तो कल डॉक्टर ही तो करवाई थी। कल किस टाइम इस वारदात को अंजाम दिया है? दो ढाई बजे करीब है जी, जन जी दो ढाई का टाइम था। तो फिर बारात तो आपकी पहुंच ली थी या रास्ते में जो पूरी बारात थी? बारात सारी पहुंची होंगी जी, कुछ पहुंच गई थी कुछ रह रही थी, आधी बारात रास्ते में थे। तो आपने फिर बाद में पता चला? बाद में मैं उसी गाड़ी में था जी। उसी गाड़ी में? उसी गाड़ी में था मैं, उसी पे मिला है। पहले खड़े थे कई लोग, हाँ जी, उन्होंने पहले घर पर धमकी धुमकी देखा गए कि रास्ता में गए जी। आपकी मतलब जो लड़ाई झगड़ो इतना बड़ी हो कि आप पुलिस में गए हो कि इस तरह का मारा कोई पुलिस में जाने की जरूरत को नहीं पड़ी थी, समझा समझो दिए थे बिक गए थे अपना अपना। मतलब आपका कोई आशंका कौन थी इस प्रकार झगड़ा भी उसका? आशंका थी हमारा भाई, झगड़ा भी उसका। क्या नाम आपका? रोशन है जी। क्या कहना चाहो जो बारात को इस तरह तरह क्या, क्योंकि एक खुशी का टाइम था और खुशियां बारात चढ़ रही थी, लेकिन रास्ता में हमला कर जाओ जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो जी है, जो खुशियां हैं दुख में बदल जी हैं। हम तो ये चाहो जी, जो दोषी है ना, वो जो लड़का मारे गया जिसने मारे उनको पकड़ो जी, हमारी तो यह मांग है जी। 5-6 बंजा का तो नाम ये जाने हैं, उनकी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए जी।
तो पुलिस ने क्या कुछ आश्वासन? पुलिस ने अभी तो कोई आश्वासन नहीं दिया, कोई नहीं पकड़ा गया, एक भी बंदा अभी अरेस्ट नहीं कराया है। 10-12-20-7 जितने सारे बाहर है। आपने नाम भी बताया कि अलीपुरा था उड़ा था। नाम इसने बताया, उसने मैं जानता नहीं। जानो जी आप उन्हें। जाना जी। लेकिन उसके बाद भी नहीं पकड़े? ना ये भी प्रेस कैसे हमें बताया है जिनके नाम। अच्छा। और बताया था पुलिस आगे भी जी इस लोग कोई कार्रवाई करे। कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस कह रही भैया मैं इसका बात कराए, उसके बाद यूँ करे जी तो कस्टडी में तो लेने चाहिए इतने बंदे चोट मार के जा रहे हैं जी। एक भी बंदा कोई रेस्ट नहीं अभी। एक भी नहीं रेस्ट हो जी अभी। मतलब उसे मौके पर होगी डेथ या फिर मौके पर वहीं होगी जी डेथ जी। हाँ अभी कोई कार्रवाई नहीं है उसी पकड़ने की। अभी तो ये मेडिकल करवाए गए जिनके जो दो बंदे का चोट लग रही थी और उस जो लड़का गुजरे है उसने यहाँ ले आए थे। पहले तो ले आए थे उच्चैण है बेचारे, उसके बाद वहाँ तो एडमिट कर दिया नरवाना मरकज को। उसकी जब वहाँ पर उन्होंने चोट मारी जी उसे टाइम हो गया था या फिर यहाँ पर आने के बाद पता चला कि मौत? देखो जी मैं तो फिर चला गया था जी बारात में, जाना पड़ गया था जी। जाना जी पांच आदमियों तो ही जाना। फिर ये और भाई थे जो ये लेकर आए थे उचाना चाणा है मर्द से कर दिया था डॉक्टर ने। तो बस वो मतलब डीजे पे होया थोड़ा बहुत, उससे पहले कोई विवाद नहीं था? विवाद नहीं था जी, डीजे पे होया जी, होया जी थोड़ा बहुत, और वो भी गलत हरकत कर रहे थे जी। इसका इस वजह से कहा गया था जिंदा भी। तो वो आपके परिवार से है या अलग है जो जिन्होंने हमला किया? गांव में तो है तो परिवार में था जी, फिर मारा लगते में कुछ भी चार है 5 है 10 है 20 है सारे सजा मिलनी चाहिए। इतना दोषी नहीं पकड़े जाते, इतने दाग नहीं लावा हमें, यह सब मांग हमारी। तो नरवाना सिविल हॉस्पिटल के अंदर एक बुरी खबर सामने, बारात रोकी गई है, एक गाड़ी बारात की रोक करना, उसके ऊपर जानलेवा हमला किया गया जिसमें एक दो का चोट है और एक की है जो मौका पर मौत हो गई है, परिवार हमारे साथ है। और जो लड़ाई झगड़ा बताया जा रहा है कि पहले थोड़ा डीजे पर थोड़ी तूत मैम हुई थी लेकिन इतना नहीं था, कितना भी उसका है, लेकिन उसके बाद जो उचाणा के निवासी है जो रायचंदवाड़ा में बारात गई थी और एक गाड़ी जो पीछे रह गई थी तो जो पीछे गाड़ी रही थी उसके ऊपर हमला किया गया है, और एक पालवा के व्यक्ति की जो शादी में आए थे उनकी मौके पर जो मौत हो गया। तो आपने इस वीडियो को शेयर करना है, और अभी तक है जो परिवार का कहना है कि किसी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, कि प्रशासन से मांग है उनके खिलाफ़ जो सख्त से सख्त कार्रवाई हो। तो आपने इस वीडियो को शेयर करना है क्योंकि जो इनकी शादी की खुशियाँ थी वो दुख में बदल गई है, क्योंकि जो शादी की खुशियाँ थी जो इनको चाह था इनको नहीं पता कि इस तरह का भी हादसा हो सकता है। तो आपने अपने राय कमेंट में देने, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।